का जो इंसिडेंट हुआ, ट्रेन इंसिडेंट हुआ, उसमें मैं हावड़ा से ट्रैवल कर रहा, कोलकाता से ट्रैवल कर रहा था कटक को, जहाँ पे मेरा घर है। कोलकाता में मैं अपने पीएचडी रिलेटेड काम के लिए ही गया था, सैंपल कलेक्शन के लिए। मेरा फील्ड है सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व। तो मैं वहाँ से जब लौट रहा था, हम 3:20 के अराउंड वहाँ से ट्रेन छूटा, कोरोमंडल एक्सप्रेस। मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के बिल्कुल जो पीछे जो कोच है, मैं वहाँ पे था, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और कोरोमंडल एक्सप्रेस अराउंड 6:30 6:35 के आसपास एक बहुत ज़ोर के आवाज़ आया, तो हमें लगा कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है हमें लगा। तो 6:30 के आसपास हमें जब ये साउंड हुआ, तो हम तुरंत ही उतरने के लिए रेडी हो गए कि कुछ तो कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, अगर डिरेल हुआ होगा तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो जब हम कोच का गेट खोले, जब हम देख रहे हैं बाहर, तो बाहर देख रहे हैं कि 2-3 कोचेस और गिरे पड़े हैं। ये जो कोचेस थी, यहाँ से लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पे थे, और वो सब निकल के हमें मदद के लिए बोल रहे थे। हमें ये नहीं पता चला कि ये जो कोचेस है, ये हमारे ट्रेन की कोचेस है या फिर किसी और ट्रेन की कोचेस है। तो हम करीबन 10-15 लोग थे जिनका कुछ हुआ नहीं था। हमारा जो कोच था वो सबसे सही था, कोई डैमेज नहीं हुआ था उसमें। तो जब उस कोच के लोग आके मदद के लिए मांग रहे थे, तब हमें पता चला कि वो सारे कोचेस थे यशवंतपुर एक्सप्रेस के लिए, जो हावड़ा जा रही थी। तो तब पता चला कि अच्छा, नहीं, हमारी ट्रेन का कुछ नहीं हुआ है, दूसरे ट्रेन का कुछ हुआ है। ऐसे में तुरंत ही हमने वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाया और पुलिस को भी फ़ोन लगाया। इसी बीच में वहाँ पे हम जो लोग तकलीफ़ में थे, उनको पानी वानी दिया। फिर जो बेडशीट है रेलवे का, उसको हमने चीर के एक मेकशिफ्ट बैंडेड बना के बैंडेजेस कराए लोगों के, क्योंकि सारे लोगों का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। किसी का सर फटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था। ऐसे ऐसे में जितना हो सका हमने मदद की। अब क्या होता है कि जब एम्बुलेंस सर्विसेस आने लगते हैं, एम्बुलेंस हमारे तरफ ना आके, हमारा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था, क्योंकि मैं पीछे था, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो सामने की तरफ है, जहाँ पे सामने उस तरफ जा रहे हैं एम्बुलेंसेस। अब हमें ये नहीं पता चला कि एम्बुलेंस अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके 4-5 लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। तब हमने देखा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब था। अब क्या हुआ था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है, वो किसी कारणवश डिरेल हो गया था। अब डिरेल होने के बाद बगल में एक लूप ट्रैक होता है, जो कि डिफंक्ट होता है, इनएक्टिव होता है। वहाँ पर एक गुड्स ट्रेन पार्क था, तो वो गुड्स ट्रेन से जाके टकराया है। ये बात हमें बाद में रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया कि गुड्स ट्रेन से जाके टकराया, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन या फिर गुड्स ट्रेन का कोई कोच जाके बगल वाले जो यशवंतपुर एक्सप्रेस जो जा रहा था हावड़ा की तरफ, उससे टकरा गया। अब ये हावड़ा के यशवंतपुर एक्सप्रेस का जो 3 कोच था, ये तीनों के तीनों जनरल बोगीज थे। उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हुए। तो ये मैंने पहले एक हावड़ा से चेन्नई की तरफ आ रही थी, और हाँ, दूसरा जो है यशवंतपुर वाला, वो वो कोलकाता यशवंतपुर की तरफ से कलकत्ता सेम टाइम में क्रॉस कर रही थी। सेम टाइम पे क्रॉस करे थे उस एरिया में। तो बाकी बोगी क्रॉस कर गया था लास्ट की बाकी बोगी में। बॉगी क्रॉस कर गया था, आगे चला गया था, करीबन 600 मीटर से 800 मीटर आगे है बाकी के इंजन के सारे बॉगीज। ये 3 बॉगीज ही गिर गई थी पलट के। अब क्या होता है कि जब हम कोरोमंडल एक्सप्रेस के सामने की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि उसका जो इंजन है, वो करीबन 3-4 महले के ऊपर हाइट पे चला गया है। उसके नीचे सारे ये गुड्स ट्रेन का बॉगी है और कुछ कुछ जनरल बॉगीज हैं, वो सब बिखरे हुए पड़े हैं, पलट गए हैं सारे के सारे। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा केओटिक सिचुएशन था। अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जब आप जाते हैं, तो पहले तो ये होना चाहिए कि पहले आपको देखना चाहिए कि आप सही हैं कि नहीं। हम करीबन 15-20 लोग थे, जो कि काफ़ी सही थे, क्योंकि हमारे बॉगी को कुछ हुआ नहीं था। जितना हो सका हमने लोगों की मदद की वहाँ पे, लेकिन सिचुएशन इतना भयावह हो गया था, इतना इतना भयानक था कि आप जहाँ भी देखे, किसी का कटा हुआ सर, किसी का बिना सर का बॉडी, किसी का कटा हुआ पैर हाथ ऐसे पड़े हैं। हर जगह देखिए तो कपड़े, लाल लाल कपड़े, खून पड़े, खून से बिखरे हुए, पूरा का पूरा ट्रेन ट्रैक बिखरा हुआ पड़ा है। ट्रेन ट्रैक्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्स ही बिल्कुल उखड़ गए हैं। फिश प्लेट्स जो हैं, वो उड़ के कहीं और गिरे हैं। जो कोचेस हैं, वो पूरा ओवरटर्न कर गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन था। इसमें मैं तो बोलूँगा कि जो लोकल लोग थे वहाँ के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद किया हमारी, क्योंकि वो सबसे पहले थे। इंसिडेंट करीबन 6:35 के आसपास घटा, और 5 मिनट के अंदर सारे के सारे लोकल लोग, ऑलमोस्ट 300 से 400 लोग लोकल लोग आ गए हमें मदद करने के लिए। जितने को पैसेंजर्स थे, उन्होंने भी मदद की। अथॉरिटीज़ को आते आते करीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग गया।
लेकिन अथॉरिटीज़ हालांकि थोड़ा लेट आई, लेकिन आते ही उन्होंने बहुत जल्दी से काम करना शुरू कर दिया और सबकी मदद करने लगे। तो आप जब वहाँ जैसे एक्सीडेंट हुआ, आपको पता चला इतना बड़ा ये वो आपके सामने में लाशें पड़ी, तो आपका फीलिंग उस समय कैसा कैसा था? उस टाइम पे जो कहते हैं एक एड्रेनलिन रश होता है, उस टाइम पे या तो करो या मरो का सिचुएशन ऐसे हो जाता है, और अचानक से दंग रह जाते हैं, स्तंभ रह जाते हैं। उस सिचुएशन में पहले हमने देखा कि हम ठीक हैं, हमारा सब कुछ ठीक है, सामान वामान ठीक है, हमारे हमें कुछ हुआ नहीं है। तो हमने वहाँ पे जितना हो सका दूसरों की मदद करने के लिए लगा दिया, और ये देखने लगे कि यहाँ से निकलने के लिए रास्ता क्या है। अच्छी बात ये है कि वहाँ पे एक रोड था जो कि हाईवे वहाँ से करीबन 600-700 मीटर दूर है, और एक रोड है जो कि इंटरसेक्ट करता है उस रेलवे लाइन को। उस रोड की वजह से ही इतने सारे एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज वहाँ तक पहुँच सके, NDRF की टीम इतनी जल्दी पहुँच सकी वहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP जो है बालेश्वर के, वो वहाँ पे 1 घंटे के अंदर आ गए और उस पूरे सर्विस रोड को एक ग्रीन कॉरिडोर की तरह बना दिया, जिसमें खाली, गाड़ी गाड़ी कितना स्पीड में था उस समय कुछ पता? क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस उस टाइम बालेश्वर छोड़ दी थी, 20 किलोमीटर बालेश्वर से दूर थी, वो स्पीड पकड़ ली थी। गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन करीबन 115-120 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक LHB रेक है, दोनों की दोनों ट्रेनें LHB रेक थी, और ये जो लाइन था ये अभी रिसेंटली ही मॉडिफाई किया गया था। ये सारी चीज़ें हमें रेलवे अधिकारियों ने ही हम बताया वहाँ पे, जो लोग आए थे हमें पूछने के लिए कि कैसे हैं क्या है, हमारे पूछताछ करने के लिए। उन्होंने बोला कि ट्रैक्स बहुत अभी रिसेंटली रेनोवेट किए गए थे। अब इसमें अगर इतने इंपॉर्टेंट ट्रेन का एक एक्सीडेंट होता है और डिरेल हो जाती है बिना किसी कारण से, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई चूक रही होगी, या तो चूक सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, रेलवे अधिकारियों की तरफ से हुई होगी। और क्योंकि रेलवे अधिकारी बोल रहे हैं कि वहाँ पे अभी अभी रिसेंटली रेनोवेट हुआ था, तो कहीं ना कहीं कोई बदमाशी की गुंजाइश भी हो सकती है, ये तो हम बता नहीं सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी से कड़ी इसके बारे में जाँच करनी चाहिए। तो वकील आपसे हो गए, क्या कहेंगे बाकी पसंद के बारे में जो बच गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब हम इतने सारे डेड बॉडीज़ देखे वहाँ पे, आप यकीन नहीं करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया है, किसी का हाथ कट गया है। हमने एक 15-16 वर्ष का एक लड़के को देखा जो अपने बाप को लेके जा रहा था, उसका खुद का सर फटा हुआ था, खून निकल रहा था, उसके उसके पिताजी का हाथ कटा हुआ था, वो हमें हेल्प के लिए मांग रहा, मदद के लिए पूछ रहा था। तो इस सिचुएशन में तो दया तो आती ही है, और मैं बता रहा हूँ, जब मैं पहले 1-2 घंटे में वहाँ पे जाके लोगों की मदद कर रहा था, मैं खुद देखा हूँ कि ऑलमोस्ट 200 से 300 डेड बॉडीज़ मैं खुद देखा हूँ। डेड बॉडीज़ ऐसे हालत में थे कि 40-50 मीटर दूर ट्रैक से गिरे थे, फटाक से, मतलब इम्पैक्ट इतना तेज़ था कि वो एक दूर जाके गिरे थे। इस केस में जो अभी का जो डेथ टोल आ रहा है 250-300 के बीच में बोला जा रहा है सरकार की तरफ से, ये आई एम सॉरी लेकिन ये बढ़ने की इसकी गुंजाइश है, डेथ टोल बहुत ज़्यादा जाएगी। तो ऐसे में तो मैं जितने फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स का डेथ हुआ है या फिर इंजर्ड हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से कॉन्डोलेंसेस है। और ऐसे में सरकार एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि ये जो 300-400 लोग मरे हैं, इनके जान के खातिर ढूंढना चाहिए कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, और जिसकी गलती है। लेकिन इतने लोग, ज़्यादा जो लोग मरे हैं, इसका कारण क्या है? जो जनरल बोगी था सब, जो सामने की तरफ जितने थे वो सारे जनरल और स्लीपर बॉगीज थे। अब इम्पैक्ट इतना तेज़ हुआ था, हालांकि हम इतने पीछे थे और हमें ज़्यादा साउंड पता नहीं चला, लेकिन सामने के जो जनरल बॉगीज़ थे उनमें लोग तो यूजुअली ओवरक्राउडेड होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ये यूजुअली बालेश्वर की तरफ जो जो वर्किंग लोग होते हैं वो शाम का ट्रेन ये वाला ले लेते हैं, जनरल बॉगीज़ में चढ़ जाते हैं, ताकि उनका घर भद्रक होता है, कटक होता है, भुवनेश्वर, वहाँ तक वो जनरल बॉगीज़ में आ जाते हैं। ये इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है जनरल और स्लीपर बॉगीज़। तो काफ़ी सारे ऑफिस गोइंग लोग भी इसमें शामिल होंगे, अगर हम देखें इसके डेथ टोल में देखा जाए तो। शायद यही कारण है, शायद जनरल बोगीज़ और स्लीपर बोगीज़ ओवरक्राउडेड भी था। लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो दरवाजे होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, इसी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसा आप उतर गए गाड़ी से, आपको तो जी पहले पता ही नहीं चला क्या है, इतने लोग जब देखे जी और आप बच गए, तो आपको कैसा उस समय फीलिंग है? सबसे पहले तो एक डर आता है, हमेशा डर आता है, लेकिन पहले आपको ये देखना है कि ऐसे सिचुएशन में जितना
कामली और पीसफुली आप पेशेंट होके अपना पहले ध्यान देख लीजिए। अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो दूसरों की मदद कीजिए। इसलिए हम पहले तो दूसरों की मदद करने पे उतर गए। अब दूसरों की मदद करते करते जब अथॉरिटीज़ आ गए तो हमें पता चला कि चलिए अब अथॉरिटीज़ ये इस काम संभालेंगी। तब हमने ये देखा कि हम यहाँ से कैसे निकले, और निकलने के लिए पुलिस ने हमारी बहुत सहायता की है, लोकल्स ने हमारी बहुत सहायता की है। तो एक डर वहाँ पे, हम हाईवे तक पैदल ही आना पड़ा हमें, और हाईवे करीबन 600-800 मीटर दूर है वहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया। एक बार जब हम हाईवे पे आ गए तो मैं अपने घर पे कॉल कर दिया था, एक्सीडेंट होने से तुरंत बाद कॉल कर दिया था। तो मेरे पिता